सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बहुत दिन बाद कंपैरिजन टेस्ट शूट करने के लिए आए हैं एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि इधर एक से डेढ़ महीना हो रहा है कि प्रॉपर कंपैरिजन टेस्ट जैसे कि हम पहले किया करते थे वो सारे हो नहीं पा रहे हैं। तो आज से बैक टू बैक कुछ कंपैरिजन टेस्ट शूट होंगे, क्योंकि हमें ट्रिप पे निकलना है। ये सारे शूट हो जाएंगे तभी हम ट्रिप पे निकल पाएंगे, अदरवाइज फिर आप भी बोर हो गए और इस चैनल पे कोई कंटेंट नहीं आ पाएगा। इसीलिए बैक टू बैक शूट चालू है और बिना सोए, रात को बिना सोए शूट चालू है, ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में शूट हो जाए और धूप ज़्यादा तेज़ ना हो। वैसे आज तो पूरा दिन जाने वाला है हमारा। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास यमहा की दो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मशीन है, जो कि बहुत ही न्यूली लॉन्च है। पहली यमहा की ये, तो आप इससे तो आप वाकिफ हो गए ही, R15M। बट इनका ये जो एडिशन आया है, नया एडिशन आया है मोटो जीपी वर्ल्ड जीपी 60th एनिवर्सरी एडिशन है ये। एंड यहाँ पे MT-15V2 है हमारे पास, जो कि USD फोक्स के साथ लॉन्च की गई है। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहते हैं। हालांकि इंजन दोनों का एकदम सेम है, बस नेकेड और स्पोर्ट्स का अंतर है, वो फुल फेयर्ड बाइक है एंड ये नेकेड है। सो सबसे पहले मैं चलाऊँगा R15 एंड हमारे साथ देवेश है, देवेश चलाएगा MT-15, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। चलो अरे यार, क्विक शिफ्टर क्यों नहीं काम कर रहा है। और इसी के साथ एक तगड़ा लॉन्च और भैया रह गए पीछे। लगा हुआ है लेकिन प्रॉपर क्विक शिफ्टर इसका काम नहीं किया, अभी भी नहीं काम कर रहा है, अभी भी नहीं काम कर रहा है ना, ना किसी भी गियर में क्विक शिफ्टर इसका काम नहीं कर रहा है। हमें थ्रॉटल डाउन करना पड़ रहा है, बट MT पीछे जा रही है। अभी तो मैं फुल पावर में आया भी नहीं हूँ। लेट्स सी ये कितना जाती है। बस इतना ही जाएगी क्या यार ये? देवेश हो चुका है काफी पीछे, वो देखो। हालांकि तेज निकला था लेकिन पीछे हो गया, और तेज इसलिए निकला था क्योंकि इसका क्विक शिफ्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। एंड अभी 653 किलोमीटर बाइक चली हुई है और इतनी जल्दी क्विक शिफ्टर किसी गियर में काम नहीं किया। मुझे लगा शायद स्टार्टिंग के गियर में काम ना कर रहा हो, लेकिन ये किसी गियर में काम नहीं किया। तो यमहा थोड़ा अच्छा बनाओ यार, अगर बना रहे हो इतना पैसा ले रहे हो थोड़ा ढंग का बनाओ। ऐसे दो दो मतलब 600 किलोमीटर के अंदर ऐसा हाल होगा तो क्या होगा। क्विक शिफ्टर किसी गियर में काम नहीं कर रहा, देख लेना ठीक है, थ्रॉटल डाउन करना पड़ेगा।
एंड यहाँ तो कुछ शिफ्टर है ही नहीं। अब मैं आ चुका हूँ MT-15 पे और देवेश चलाएगा R15M। उससे कुछ नहीं होता, हम चेक कर चुके हैं। चलो भगाओ गाड़ी, चलें। ये बात नहीं अपुन, लगा के रखेगा। स्लिप स्ट्रीमिंग का यूज करके भी नहीं आगे निकल पा रही है MT। फिर से भगा दिया। अब ज्यादा तेज निकल जाएगा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो गाइस, यहां पे आप लोगों ने देखा कि MT कैपेबल नहीं है R15M को टक्कर देने में, एंड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। स्टार्टिंग में मैं पीछे हुआ बिकॉज ऑफ द वेट, बट टॉप एंड में भी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इसको हरा पाऊँ, बट भाई साहब कैसे हरा दूंगा, जब भाई जा ही नहीं रही है स्लिप स्ट्रीमिंग का यूज़ करके भी, तो भी कैसे हरा दूंगा। अब आप देख लो कि पुरानी वाली MT में जो USD फोक्स नहीं आते थे, इसमें USD फोक्स गोल्डन कलर के दे दिए गए हैं। ये चीज़ इसमें चेंज की गई है, और कोई खास चेंज नहीं है, कलर स्कीम का चेंज है। दोनों में एग्जॉस्ट भी सेम मिलता है, इंजन भी सेम मिलता है, एंड बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बट दोनों का लुक यहाँ पे बहुत ही क्लासिक लग रहा है, जो बात है। लुक आउट ऑफ दिस सेगमेंट है, बिकॉज ये दोनों इस सेगमेंट की लगती ही नहीं है, जैसा कि 155cc की बाइक को लुक दिया गया। बाकी लुक के अलावा पावर की बात की जाए तो पुरानी वाली MT या पुरानी वाली R15 से कंपेयर मत करना, बिकॉज उनसे ये दोनों स्लो हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।